दबदबा, वो दबदबा जिसको लेकर बीते दिनों बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह चर्चा में रहे। हालांकि बाद में विवाद के बाद उन्होंने उस बयान में अहंकार की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन बीते दिनों बृजभूषण शरण सिंह फिर से उसी अंदाज में नजर आए और ये मौका था बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम का, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह भी शिरकत करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने राम मंदिर पर बोलते हुए कहा कि हम तो नींव के पत्थर हैं। साथ ही उन्होंने आंदोलन के दिनों को याद करते हुए कहा कि उन दिनों तो जेल में भी हमारा दबदबा था। आपको बता दें, साक्षी महाराज के जन्मदिन के मौके पर यूपी के उन्नाव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो इस मौके पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी पहुंचे थे। वो राम मंदिर को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे, तो साथ ही पुराने दिनों की यादें भी साझा कर रहे थे। तो इस मौके पर उन्होंने साक्षी महाराज को लेकर कहा कि मैं साक्षी महाराज के साथ जेल में भी रहा हूँ। ये भी कहा कि जेल में भी हमारा ही दबदबा था। तो इसी बीच भीड़ से एक आवाज आई कि दबदबा तो है। मैं महाराज जी को अयोध्या आंदोलन से बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जुड़े रहे। जेल में भी हम साथ रहे, जेल की व्यवस्था को हम ज्यादा समझते थे, मतलब जेल में भी हमारा ही दबदबा था। उसका पूरा पूरा फायदा महाराज जी को हम लोगों ने दिया। बहुत अच्छा संबंध है और आज सबसे प्रसन्नता की बात है कि जिसके लिए 500 वर्ष से संघर्ष किया गया, हमारे जैसे महाराज जी जैसे पिता पता नहीं कितने कार्यकर्ता जेल में, और उनका एक ही सपना था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर ही बनाएंगे। इसके साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो ये निमंत्रण ठुकरा रही है। पार्टी के जितने भी नेता हैं वो राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, उन्होंने अहंकार कर दिया है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि हिम्मत पहले हर लीना। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सनातन का विरोध करती है, जो राम मंदिर का विरोध करती है, जो धारा 370 का समर्थन करती है, जो आप कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक का विरोध करती किया, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया। जब जब अच्छा काम होता है उसका विरोध वो करते रहते हैं और ये उनका दुर्भाग्य है। और उन्होंने एक बार इस कृत्य से फिर साबित कर दिया कि वो सनातन विरोध समाजवादी। तो सुना आपने, बृजभूषण शरण सिंह ने बेहद आक्रामक तरीके से कांग्रेस को घेरा है। इसके साथ ही वो राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी खुश नजर आए। बता दें, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो ऐसे में देश भर के कई दिग्गज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसी बीच जिस दबदबे वाले बयान को लेकर काफी विवाद हुआ, वो बयान बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से दिया है। आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहें हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।